नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं सीएन 24। रुक कर लेते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। खेतों से मर्शियल पंप चोरी करने वाले एक आरोपी को बिलायगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वहीं दूसरा आरोपी फरार बताया जा रहा है। पकड़े गए आरोपी के पास से 3 मर्शियल पंप जब्त किया है, जिसकी कीमत 60,000 रुपए बताया जा रहा है। बिलायगढ़ थाने में लगातार मर्शियल पंप चोरी की शिकायत मिलने पर बिलायगढ़ थाना प्रभारी ने गंभीरता से लेते हुए पतासाजी किया, जिसमें पता चला कि आरोपी राकेश सोनी परसाडी गांव में एक मर्शियल पंप बेचने की जानकारी मिलने पर आरोपी राकेश सोनी उसके गांव बिशनपुर से गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से 3 मर्शियल पंप जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 60,000 बताया जा रहा है। वहीं दूसरा आरोपी भारत भूषण की तलाश किया जा रहा है। वहीं दोनों आरोपी द्वारा अपने शौक पूरा करने घटना को अंजाम दिया जाता था। चोरियों के लगाने के उसको पकड़ने के लिए निर्देशित किया गया, जिसके आधार पे हम लोग के प्रयास से, पुलिस टीम के प्रयास से एक चोरी का पता चला कि परसाडी में किसी ने बेचा है। तो उसके आधार पे उसका नाम राकेश सोनी द्वारा बेचना बताया गया। राकेश सोनी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जिसने चोरी करना कबूल किया। उसके अलावा 2 और मर्शियल पंप दुम्हानी बिशनपुर में चोरी करना कबूल किया जी। जो 3 मर्शियल पंप मिला है वो किसके द्वारा चोरी किया गया, क्या बताया सर आपको? ये राकेश सोनी पिता रथराम सोनी जी पथरिया का रहने वाला है, जिसने अपने साथी भरत भूषण के साथ मिलकर चोरी को अंजाम दिया है जी। अभी कितने जने गिरफ्तार हो पाए? अभी आरोपी राकेश सोनी गिरफ्तार हुआ है। बिलायगढ़ से सहदेव सिंह सिदार की रिपोर्ट, ACN 24।